नमस्कार, मैं आपका दोस्त हूँ सुनील, एक बार फिर एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर। एंड ये स्पेशली मैंने आज वीडियो इसलिए क्रिएट करी है कि केआरएस ग्रुप पे मैंने ऑलरेडी दो तीन वीडियो बनाई थी कि इस पे कहाँ कहाँ पे प्लॉटिंग हो रही है, लोग वीडियो को देख रहे हैं और कॉल भी कर लेते हैं, ठीक है, मेरी टीम के पास कॉल भी आ जाता है उसमें, और बंदे कोऑर्डिनेट भी कर रहे हैं, वीडियोज भी मांगते हैं और भी काफी सारी चीजें मांगते हैं कि भाई हमें साइट की आप पिक वगैरह भेज दो। तो गाइज मैं इसमें आपको एक चीज बता देता हूँ, कुछ लोग ये क्वेश्चन ये भी आते हैं कि यार ये जो आपने पिक भेजे ना ये तो पिक ऐसे ही काम चलो, पर गाइज वो ऐसा नहीं है, क्योंकि एक्चुअल में जैसे कि मैंने वीडियो में ऑलरेडी बताया था आप लोगों को कि ये जो पिक है ना ये लैंड इन्होंने अभी बाय करी है, तो इसे एक या दो महीने पहले ही इन्होंने लैंड बाय करी है, धीरे धीरे इस पर काम चलता जा रहा है, क्योंकि जब भी आप काफी सारी जमीन को बाय करते हो या यूं कहें कि एक्वायर करते हो, आप उसे सरकार से खरीदते हो, तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि आपको पता है ऑलरेडी आज की डेट में गर्मी कितनी हो रही है। दूसरी, अब कोई भी प्रॉपर्टी होती है ना गाइस, पहले सोल्ड होती है या ईएमआई वगैरह पे, यानी मोटा मोटा आप ऐसा समझ लीजिए सोल्ड होती है, बिकती है वो, तब उसके बाद काम स्टार्ट होता है। मैंने कल एक वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने आप लोगों को ये भी बताने की भी जस्ट कोशिश करी थी छोटी सी, कि रोडों को सिर्फ कच्चा बना के छोड़ दिया जाता है, ये आप लोगों की फैसिलिटी के लिए दिखाने के लिए। और प्रीवियस हम जो हमारी साइट्स हैं हमने ऑलरेडी आप लोगों को बता दिया है कि भाई हम ऐसे ही बनाते हैं, एक ही नक्शे पे बनाते हैं, एक जैसा ही मेन गेट होता है, ठीक है। रोड कच्ची इसलिए छोड़ी जाती है ताकि आपका मकान बन रहा है, मेरा बन रहा है, किसी और भाई का बन रहा है, डंपर चलेंगे, ट्रक चलेंगे, ट्रैक्टर चलेंगे, ठीक है, किसी का लेंटर गिर रहा है मान लेते हैं मकान के ऊपर, तो भी रोड पे वाहन चलेंगे, तो उसकी वजह से क्या होता है ना, जो रोड बने हुए होते हैं ना वो भी टूट जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन का आंसर आपका यह है कि इसकी वजह से रोडों को कंप्लीट करके नहीं दिया जाता, सिर्फ रोडों को रोड़ी बजर को डाल के आपको दिखा दिया जाता है, बना के छोड़ दिया जाता है कि हम इस तरीके से कर देंगे, लेकिन प्रॉपर तरीके से उसे मेंटेन तभी करा जाता है जब ऑलमोस्ट 50% कहेंगे 40% जनता वहां पे आ चुकी होती है, ठीक है, क्योंकि उन्हें तो फैसिलिटी चाहिए ना भाई। अब दूसरी बात हम ये कर रहे थे यहाँ पे कि ये जो ऑफर्स था जो मैंने आपको बताया था 3250 रुपए पर गज का एंड गोवर्धन के अंदर जो हमारी जमीन है ये कब तक के लिए है, तो इसका दूसरा आंसर आपका ये है कि गाइज ये सिर्फ नवरात्रि ऑफर है, हालांकि इसके जो प्राइस थे 31 मार्च तक के लिए थे, ठीक है, 31 मार्च 2022 तक के लिए, लेकिन नवरात्रि को देखते हुए इसे एक्सटेंड कर दिया, आगे की तरफ भेज दिया गया 10 दिन के लिए, के भाई 10 दिन और इसे आगे कर देते हैं, क्योंकि कुछ लोग नवरात्रि को खरीदते हैं जैसे जमीन, तो उनके लिए एक शुभ चीज मानते हैं वो लोग, ठीक है, तो उनके लिए ये प्लस पॉइंट हो गया जो लोग भी खरीदते हैं, ठीक है, तो इसकी वजह से एक्सटेंड करा गया। अब बात कर रहे थे कि मान के चलते हैं हम कि आज नवरात्रि खत्म हो रही है, कल से दिन इशारा, तो गाइस ये सिर्फ नवरात्रि के लिए ही ऑफर है रात 12 बजे तक, उसके बाद ये जमीन आपको 3500 में मिलेगी, यानी कि जो भी उसका 50 गज 72 गज 100 गज 150 गज 200 गज जिसका जो भी प्राइस है उसमें पर गज 250 रुपए इंक्रीज कर दिए जाएंगे, ठीक है। तो जिन लोगों ने अभी बाय नहीं करा है, कोई क्वेश्चन था तो उनके आंसर आई होप मिल चुके होंगे, क्योंकि बेसिकली ये तीन क्वेश्चन ही ज्यादा मेरे पास आ रहे थे, ठीक है, एक क्वेश्चन और था मैं भूल रहा हूँ, हाँ जी, पेमेंट मोड कैसे करेंगे आप, देखिए पेमेंट आप अपनी पेमेंट चेक से देना चाहें चेक से दे सकते हैं, कैश देना चाहें कैश दे सकते हैं, वेबसाइट के थ्रू आप पे करना चाहें वेबसाइट के, मतलब जो भी आपकी फैसिलिटी है आप उसके अकॉर्डिंग उसकी पेमेंट दे सकते हैं, बकायदा आपको स्लिप मिलती है, लेकिन मैं आपको इसके अंदर यही रिकमेंड करूंगा, यही ऑफर करूंगा आपको कि जब भी आप पेमेंट करने जा रहे हैं ना गाइस, तो अपने नियरेस्ट कोई ऑफिस अपना देखें, जो भी केआरएस का ऑफिस हो वहां पर ही जाके अपनी पेमेंट को जमा करें, या फिर अपने किसी एसोसिएट्स जिसे आप जानते हो उसके थ्रू जाके आप पेमेंट जमा करें, वो पूरी स्लिप मांगे, और प्रीफर तो मैं आपको गाइस यही करूंगा कि अगर आप अपने एसोसिएट्स के साथ ऑफिस जाएं तो और ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि कुछ क्वेश्चन के आंसर ऐसे होते हैं जिनके एसोसिएट्स आई होप नहीं दे पाएगा, तो वहां से आपको मिल जाते हैं, ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि क्योंकि जो नए लोग हमारे साथ ज्वाइन होते हैं तो उन लोगों को नहीं पता होता कि इसका आंसर हमें क्या करना है और इसके जो डॉक्यूमेंट है हमें कहाँ से मिलेंगे, कई बार क्लाइंट होता है तो आप वो मांग लेते हैं,
भैया हमें हमारी प्रॉपर्टी का डॉक्यूमेंट दे दो, पहले जो हम बाय करना चाहते हैं उसके प्रॉपर्टी का डॉक्यूमेंट दिखा दो। तो ये प्लस पॉइंट है आपका, हमेशा हमेशा प्रॉपर्टी का डॉक्यूमेंट अपने मांगना, ठीक है। क्योंकि कुछ लोगों का डाउट ये रहता है और स्पेशली हो रहा है, एक जमीन को चार चार लोगों को सेल कर दिया जाता है, ठीक है, बहुत सी जगहों पर, लेकिन केआरएस में ऐसा नहीं है, मैं आपको ये भी बता दूंगा। क्योंकि वहां पे जो सिस्टमेटिकली हर चीज चलती है, सिस्टम पे सारा डेटा अपलोड होता है। अगर आपको प्लॉट, आपने बोला मुझे ये वाला प्लॉट चाहिए, तो गाइस ऐसा नहीं है कि आपको यही प्लॉट मिल जाएगा, सिस्टम में देखा जाएगा वो प्लॉट अगर सोल्ड हो चुका होगा, बिक चुका होगा, तो आपको नहीं मिलेगा, उसकी जगह आपको दूसरा मिलेगा। तो सारा सिस्टम में डेटा मेंटेन होता है, कंपनी प्रॉपर वर्क करती है एज एम्प्लॉइज के साथ, ठीक है। जो लोग एसोसिएट्स चैनल के साथ काम कर, इन लोगों के साथ एसोसिएट्स चैनल में काम करते हैं, वो लोग भी इनके अपने होते हैं, कंपनी उन्हें हायर करती है एज ए फ्रीलांसर, वो लोग जॉब करते हैं। जिन लोगों को मकान चाहिए होते हैं वो उन्हें लेके आते हैं, कंपनी वहां देती है, कंपनी उन्हें छोटा सा कुछ एज ए ऑफर उन्हें देती है, कुछ भी गिफ्ट वगैरह दे देती है, ठीक है। तो इस तरीके से प्रॉपर तरीके से केआरएस वर्क करता है, और केआरएस कोई आज से नहीं, काफी टाइम से मार्केट के अंदर अवेलेबल है, अलग अलग इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहा है, लेकिन बेसिकली रियल एस्टेट के अंदर 5 से 6 साल से आए हुए हैं। अभी जो इनकी साइडें चल रही हैं, स्पेशली वृंदावन, मथुरा, आगरा में इन्होंने अपना डेवलप करके दिया है, और भी काफी सारी साइट्स हैं इन्होंने, वो ऑलरेडी उन्होंने हैंड ओवर कर दी हैं, करंट में यहाँ चल रही है। और आई होप कि आने वाले समय में जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, एशिया का जो सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट होने वाला है, वहां पर भी इनका प्रोग्राम बन रहा है बाय करने का लैंड किसानों से, जैसे ही फार्मर्स उन्हें दे देते हैं या व्हाटएवर, जैसे भी गवर्नमेंट से लेते हैं वो इनके अड़ा के, ठीक है। तो वो ये सब ले लुके ये भी सोल्ड करेंगे। तो जो भी लोग अगर प्रोग्राम बना रहे हैं बाय करने का, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि गाइस हमेशा जमीन के प्रॉपर डॉक्यूमेंट मांगना पहले, तो ठीक है। अगर डॉक्यूमेंट नहीं है तो कंपनी आप जॉब, वैसे तो डॉक्यूमेंट होते ही हैं यार, स्पेशली आपके मन में कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। सबसे पहले आपके मन में जो भी डाउट चल रहा है केआरएस के थ्रू, केआरएस को लेके सारे आंसर अपने क्वेश्चन वहां पे करना, उनके आंसर वहां से लेना, ठीक है। प्रॉपर्टी खरीद रहे हो भाई, मजाक नहीं कर रहे। कुछ लोग ये भी आते हैं कि यार 1,62,000 में क्या मिलता है, ये बिल्कुल आपके सही है। आज की डेट में जमीन से आपको 1,62,000 में क्या मिलता है, बहुत कुछ मिलता है भाई। 1,62,000 छोटी पेमेंट नहीं होती, बहुत बड़ी पेमेंट होती है, ठीक है। तो गाइस मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा, जिन लोगों ने अभी तक बाय नहीं करा है, प्लान कर रहे हैं आप लोग बाय करने का, तो इजिली आप लोग बाय कर सकते हैं। 51,000 रुपये देने हैं आपको, लेकिन आप नवरात्रि ऑफर्स के अंदर, आपको नवरात्रि ऑफर में आप ये कर सकते हैं कि आप 11,000 रुपये दे सकते हैं, और विद इन वीक या विद इन मंथ के अंदर, यानी इस महीने के अंदर आपको बाकी जो पेमेंट रह जाती है 51,000 के अकॉर्डिंग, वो आप पे कर सकते हैं, ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, एक क्वेश्चन और था किसी का कि हाँ हाँ जी, कि अगर मैं 50% अमाउंट दे के रजिस्ट्री कराऊं, बिल्कुल करा सकते हैं। आपको उनका क्वेश्चन था कि इसमें मेरे को बेनिफिट्स क्या मिलेगा, तो देखिए इसके अंदर बेनिफिट्स ये मिलना है गाइस आपको कि अगर आप 1,62,000 में 50 गज का प्लॉट बुक करा रहे हैं, या आप 200 गज, 150 गज, बराबर जो भी आपकी नीड के अकॉर्डिंग आप उसे बुक करा रहे हैं, ठीक है। अगर आप इंस्टेंट पेमेंट कर रहे हैं, एक साथ उसकी पेमेंट कर रहे हैं सारी की सारी, तो आपको यहाँ पे इंस्टेंट कंपनी बोलती है कि भाई इन्होंने हमें एक साथ पेमेंट कर दी, 10% का इंस्टेंट आपको डिस्काउंट दे दिया जाता है। 50% पेमेंट करते हैं सॉरी, तो आपको 3 से 4% का वहां पे डिस्काउंट मिल जाता है। तो यानी कि अगर आप मान के चलते हैं, अगर आपने 1,62,000 रुपये की जमीन खरीदी और इंस्टेंट पेमेंट कर दी, तो 10% के हिसाब से आयो वो जमीन करीब करीब आपको ये मान के चल सकते हैं हम 1,50,000 रुपये का अप्रोक्स पड़ती है। तो 1,50,000 रुपये, समझ रहे हैं, आपने इंस्टेंट पेमेंट करी, मालिक आप बन गए। जब तक अगर आपने अगर ऐसे किस्तों में लिया है, तो आपको 1,62,000 की पड़ रही है, 16,000 का आपके होगा डिस्काउंट मिल गया अप्रोक्स, जो भी 10% निकलता है उसका, ठीक है, यही निकलता है वैसे तो आपको प्रॉफिट हुआ, यहाँ पर लॉस हुआ। जमीन एक ऐसी है, अगर मैंने खरीद ली या मैंने बेच दी, और या मैंने खरीद ली तो उसे कोई दूसरा खरीद नहीं सकता, प्रोडक्शन उस चीज की हो नहीं सकती। तो यही एक मेन रीजन है दिल्ली एनसीआर में, या अदर कहीं भी अगर आप लेके चलेंगे, तो जिनके पूर्वजों ने जमीन खरीद के किसी समय पे डाल दी थी, शहर डेवलप हो गए, वो करोड़पति बन गए, समझे आप लॉजिक, तो वो लोग करोड़पति बन गए। यही एक छोटा सा लॉजिक है, जमीन हमेशा आपको प्रॉफिट देके जाती है, लॉस में नहीं जाती। तो गाइज अगर आप लोग चाह रहे हैं बाय करने का, प्लान कर रहे हैं, तो आप आइए, वेलकम है आपका। नंबर डिस्क्रिप्शन में पड़े हुए हैं, वैसे नीचे भी दिख रहे होंगे आपको, तो आप उन लोग नंबर पे कॉल कर सकते हैं।
विजिट कैसे करानी है, रिपीट कर रहा हूँ, फ्री विजिट है, कोई चार्ज नहीं है दिल्ली एनसीआर में। बाकी अगर आप गूगल करना चाहें तो KRS ग्रुप डाल सकते हैं आप, www.krsgroup.com, सारी इन्फॉर्मेशन आपको वहां से मिल जाएगी। रही बात मोबाइल नंबर की, इन पर कॉल करनी है तो आप इन नंबरों पर कॉल कर सकते हैं, सारी इन्फॉर्मेशन मेरी टीम आपको प्रोवाइड करा देगी, यहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है आपको। विजिट दिल्ली एनसीआर में कहीं भी रहते हैं, विजिट जब भी आप कराना चाहें मेरे को बता दीजिए, उस हिसाब से शेड्यूल बना दिया जाएगा, आपको विजिट आपके फ्री करा दी जाएगी। ठीक है, विजिट कैसे कराई जाएगी वो हमारी हद तक से आप छोड़ दीजिएगा। कुछ लोगों के क्वेश्चन आते हैं यार कैसे कराओगे, विजिट कैसे कराओगे, वो आप छोड़ दीजिए, वो हमारी हद तक है। ठीक है, बस आप एक माइंड सेट करके चलना कि मेरे को यहाँ पे प्रॉपर्टी इन्वेस्ट करना है पैसा। ठीक है, रहना चाहें तो एक अलग मैटर है, वो अगर रहना चाहें तो रह भी सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो एक साल, क्योंकि शहर डेवलप होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो गाइस KRS ग्रुप की तरफ से यही इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहता था, स्पेशली क्योंकि मैं एज ए चैनल पार्टनर उनके साथ काम करता हूँ, तो मेरे का राइट बनता है कि मैं आपको ये भी इन्फॉर्मेशन दूँ कि भाई ये ऑफर कब तक है। अगर आपने इस ऑफर्स में अपनी प्रॉपर्टी बुक नहीं करी, एक तो नवरात्रि चल रही है, स्पेशल दिन चल रहे हैं, आपको पता है, एटलीस्ट यार कुछ नहीं है, 11,000 से बुक कर दो, आगे की पेमेंट करवा दूंगा मैं, आगे टाइम दिलवा दूंगा आपको। और बताइए, आप बोलोगे मेरे को 1.5 महीना चाहिए, 1.5 तो नहीं, मैं आपको 1 महीना दिलवा दूंगा, पर 1 महीने में वो आपको पेमेंट करनी होगी। ठीक है, एक चीज और मैं आपको इसमें बता देता हूं, पहले आइए पहले पाइए, सबसे बढ़िया चीज है। क्योंकि कई बार क्या होता है, अभी हमने एक विजिट कराई थी तो उन्हें एल कॉर्नर का प्लॉट चाहिए था, लेकिन उन्होंने 2 दिन 4 दिन 5 दिन ऐसे करते रहे, वो कि आज नहीं चल रहा, कल चलूंगा, कल नहीं परसों चलूंगा, इस तरीके से करते रहे। जब वो गए तो पता चला उनसे ठीक 1 दिन पहले वो रजिस्ट्री हुई है उसकी, रजिस्ट्री मतलब बुक हो गया ऐसे समझो। ठीक है, तो गाइस ये होता है पहले आइए पहले पाइए, एल कॉर्नर आप समझ रहे हो, दो तरफ से आपकी गेट खोल सकते। तो अगर अभी तक आपने प्लान नहीं करा है इन्वेस्ट करने का, बाय करने का नहीं करा है, तो नंबरों पर कॉल कर लो, जैसा होगा आपके लिए अच्छा होगा, और जितना हो सकेगा उतना हम आपको कोऑपरेट करेंगे एंड विजिट फ्री कराएंगे। कोशिश यही रहेगी कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आज के वीडियो में इतना ही था, ध्यान रखें आप अपना, अपनी फैमिली का, एंड कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाहें कमेंट कर सकते हैं आप, स्पेशली चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं फ्यूचर इन्फॉर्मेशन के लिए, क्योंकि चैनल पर आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। गोवर्धन जेवर इधर क्या ही नहीं, गाजियाबाद NCR में कोई भी प्रॉपर्टी आपको कहीं पे भी बाय करनी है तो नंबरों पर कॉल कर दीजिएगा, इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। आज के वीडियो में इतना ही था, ध्यान रखें आप अपना, अपनी फैमिली का, बाय एंड टेक केयर।